हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं दूध से मावा। देखिए, इसके लिए हमने 2 किलो दूध लिया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आ जाएगा, हम चम्मच की हेल्प से उसे इस तरीके से स्टर करते रहेंगे। धीरे धीरे दूध कम होने लगेगा और ये गाढ़ा भी होने लगेगा। ये देखिए, ये कितना कम हो चुका है। अब देखिए, ये चम्मच के थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा है, इसका मतलब है ये गाढ़ा हो चुका है। आप इसे लगातार स्टर करते रहिए इसी तरीके से, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए, गैस की फ्लेम फुल करने से ये एकदम ऊपर तक आ जाता है, इसलिए फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा, फुल मत कीजिएगा। ये देखिए, ये चम्मच से किस तरह से चिपक रहा है, ये इतना गाढ़ा हो चुका है। लेकिन हमें इसका मावा बनाना है, तो हम इसे जब तक थिक करेंगे जब तक कि ये एकदम सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाता। लगातार स्टर करते हुए इसे चलाएं और जल्दी ही हमारा मावा निकलकर तैयार हो जाएगा। आप इस मावे से बर्फियां भी बना सकते हैं और भी गुलाब जामुन, कोई भी मिठाई आप इससे बना सकते हैं, गुजिया भी आप इससे बना सकते हैं। तो घर का बना जो मावा होता है वो बहुत शुद्ध होता है, बाहर के मावे में वो शुद्धता नहीं पाई जाती जो घर के मावे में मिलती है, और ये बहुत ईजिली घर पर निकल जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, बन गई है ना एकदम रबड़ी जैसी, जैसे कि जलेबी रबड़ी हम खाते हैं, वैसे ये तैयार हो गई है और जल्दी ही ये बिल्कुल बन जाएगा मावा। ये देखिए, अब इसको बहुत ही ध्यान से चलाना होगा हमें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा, क्योंकि ये अब बनने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। साइड्स को आप साथ साथ में इस तरह से सेट करते रहें, नहीं तो ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे। इस तरीके से चलाते हुए ये देखिए, हमारा मावा जो है 98% निकल कर तैयार हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट की ही कमी बाकी है इसमें। तो गाइज, इसे लगातार स्टर करते रहिए और इसकी किनारी को इस तरीके से छुड़वाते रहिएगा, ताकि मावा जो है एकदम एक ही फॉर्म में और अच्छा बनकर तैयार हो जाए। देखिए, हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। बताइएगा गाइज, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। देखिए, हमारा मावा भी बनकर तैयार हो चुका है, तो बनाइए इसकी मिठाइयाँ या बर्फी जो आप बनाना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द स्वीट्स दैट यू मेड फ्रॉम दिस मावा।